जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, ओके हवे तमारी एग्जाम्स, ओके सो स्पॉटिंग आपणे फोकस करवानुं छे स्पॉटिंग ऊपर। हवे पासिंग स्ट्रेटेजी मां स्पॉटिंग मां आपणे 100% मार्क्स लावाना छे। ओके तमे एम कहो छो के भाई स्पॉटिंग बहु सहेलू छे, रेडी? एटले हुं अमे तो आइडेंटिफाई करी लईए। तमे आइडेंटिफाई करी लो छो, है ना? आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, पर प्रॉब्लम क्या होता है, आप पूरा लिख के नहीं आते हो, आपका फिर क्या आधा मार्क आता है। तो आपने 10 आइडेंटिफाई सच्चे किए लेकिन यूज बराबर पूरा नहीं लिखा, और कोई स्टूडेंट ने पूरा यूज लिखा है। जैसे मैं आपको जस्ट एग्जांपल देती हूँ कि कॉटन विस्प, ठीक है? अभी ये एक फोटो है, देखिए। सबसे पहले तो ये कॉटन विस्प को आप देख लीजिए, मैं बस इतना समझाना चाहती हूँ कि ये कॉटन विस्प रखा है आपके टेबल पे, आपने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज अ कॉटन विस्प, आधा मार्क, और यूज में आप इतना ही लिख के आए कि भाई फॉर फाइन टच। अब जर्नल में लिखा है ऑलरेडी कि टैक्टाइल लोकलाइजेशन, उसमें भी कॉटन विस्प यूज करते हैं, ठीक है? ओके, फिर आप स्पाशियल समेशन, टेम्पोरल समेशन, कि अगर विस्प ऑफ कॉटन से बार बार टच किया, ओके, तो टेम्पोरल समेशन होगा। अगर विस्प ऑफ कॉटन यूज नहीं किया और ज्यादा मोटा रू यूज किया तो स्पाशियल समेशन। इतना कुछ लिख के आएंगे ना अच्छे से, तब जाके आपको पूरा एक मार्क मिलेगा, 100% मार्क्स आपको मिल सकता है। तो अगर आपका सीएनएस का टेबल क्लिनिकल का खराब हुआ है तो भी, है ना, आपका कहीं पे हिमेटवाइवा अच्छा नहीं गया है तो भी, अगर आपने स्पॉटिंग में 100% मार्क कवर किए, ठीक है? तो अभी जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स करते हैं ना स्टूडेंट, ये स्पॉटिंग को आइडेंटिफाई करने में मैं उसी पे अभी फोकस करूंगी, ठीक है? तो सबसे पहले तो अपन फोटो में देखते हैं, रेडी? क्या क्या चीजें हैं, बराबर? तो देखो सबसे पहले ये आप नंबर देख लो, नंबर 1, है ना, 2, 3, 4, 5। तो ये आपने देख लिए, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके वापस आ सकते हैं इधर, रेडी? अभी नीचे इसका लिस्ट दिया है कि क्या क्या चीजें हैं। तो नंबर 1 था वार्म एंड कोल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब, है ना, वो भी हो सकता है, या टेम्परेचर स्टेशियोमीटर भी हो सकता है, मैंने वो वीडियो में दिखाया है। फिर ये है रबर बैंड, है ना, नंबर 3 है ट्यूनिंग फॉर्क, ओके, फिर विस्प ऑफ कॉटन फॉर नंबर, देख लीजिए, ओके, ये दो टेस्ट ट्यूब है, एक में गर्म पानी एक में ठंडा पानी, ये सेकंड नंबर रबर बैंड, थर्ड नंबर ट्यूनिंग फॉर्क फॉर विस्प ऑफ कॉटन, ठीक है, 5 नंबर है हैमर, ठीक है, 6 नंबर पे स्पेचुला, ओके, स्पेचुला क्यों चाहिए, जैसे किसी का टंग ऐसे लोअर डाउन करना है, उसको आ बोलना है, है ना, आपको 10th नंबर का अगर कर रहे हैं एग्जामिनेशन तो आपको स्पेचुला चाहिए होगा, रेडी? मेजरिंग टैप, मसल मास देखना है ना, उसके लिए मेजरिंग टैप चाहिए। कंपास स्टेशियोमीटर, हालांकि वो मोटर में आएगा, हैमर भी मोटर में आएगा, कंपास स्टेशियोमीटर कौन सा है, देखो देखो, ये टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन के लिए हम यूज करते हैं कंपास स्टेशियोमीटर, ठीक है, ये मेजर टेप। अभी देखो ये 10 क्या है, ये पहली बार देखा ना, ये टॉर्च इधर क्यों है, ये अपने को रिफ्लेक्स देखना है, कौन सा रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स, ओके, बराबर बराबर। अभी देखो ये नया है आपके लिए, गाल्टन्स विसल, ठीक है? तो मैं सबसे पहले इसमें से सारे जान, ये 9 नंबर है वो पिन, तो आप इसका सिर्फ पेन लिख के आते हैं, हालांकि ये बहुत जगह पे यूज होता है, ठीक है? तो मैंने कलर कोडिंग दिया हुआ है, और सबसे पहले जो सबसे अलग है ना उसके ऊपर फोकस करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है? देखो ये है गाल्टन्स विसल, इसमें कैसा है, ये आप रिक्शा में बैठे हो ना कभी, तो रिक्शा वाला भोंपू बजाता है ना, तो इधर आप बजाएंगे ना तो भोंपू बजेगा, इसको दबाएंगे ना रबर बॉल को, स्क्वीज करके यहां से हवा निकलती है, पर ये हवा कैसे निकलेगी, कौन सा साउंड, इसका पिच आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना? इधर मार्किंग है, ये रबर के ये जो स्क्रू को आप घुमाते जाओगे तो इसमें से आप डिफरेंट डिफरेंट पिच की आवाज निकाल सकते हो, है ना? इसका फायदा क्या है, हीरिंग का टेस्ट करने के लिए गाल्टन ने ये विसल ढूंढी है, ठीक है? आप चाहे तो गूगल पे यू कैन सर्च, मैंने आपके लिए पेज खोल के रखा ही है, रेडी? देखो मैं अभी इतना आप फोकस करो, गाल्टन एडेप्टेड हिज न्यू विसल टू टेस्ट द हीरिंग ऑफ वेरियस एनिमल्स, ठीक है? क्या करा उसने,
लॉन्ग ट्यूब को रबर बॉल के साथ जोड़ दिया और उसको वो अलग अलग पिच पिच के वो आवाज सुनाता था एनिमल्स को और उनका हीरिंग टेस्ट करता था। ठीक है, तो इसका ही मॉडिफिकेशन हम हीरिंग के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। ये पोर्शन ईयर कनाल के नजदीक रहता है और ये बजाने के लिए। ठीक है, ये सारे जो मेजरिंग है ना, ये सारी अलग अलग पिच, आपको कौन से पिच की आवाज है ना, तो ये बहुत पुराना है पर अगर आपके एग्जाम में रखा तो यू कैन आइडेंटिफाई कि दिस इज गाल्टन्स व्हिसल, GALTON apostrophe S, और इसका यूज क्या है, बाय एडजस्टिंग द स्क्रू वी कैन प्रोड्यूस डिफरेंट पिच साउंड्स ऑफ अ पिच, है ना, डिफरेंट पिच साउंड टू टेस्ट द हियरिंग ऑफ अ पर्सन। रेडी, ओके, चलो ये एक चीज हो गया। अभी देखो, अभी आप मोस्ट कॉमन गलती कहां करते हो ना, उस पे मैं आती हूँ। ठीक है, मैंने कलर कोडिंग ऑलरेडी किया है, देखो देखो, चलिए इधर फोकस करिए आप। सबसे पहले ये जो मैंने ब्लू है ना, ये आप इतना लिख के आते हो, क्या लिख के आते हो कि कॉटन विस्क का यूज क्या है, टू टच द सब्जेक्ट, है ना, फाइन टच। पर आप फिर ये लिखना भूल जाते हो कि वो टेक्टाइल लोकलाइजेशन में भी यूज होता है। ठीक है, तो आप फाइन टच का भी लिख के आओ, टेक्टाइल लोकलाइजेशन का भी लिख के आओ। अभी ऐसा ही मैंने ग्रे मार्किंग किसके लिए किया है ना, मैंने हेड ऑफ द पिन, ठीक है, रेडी, हेड ऑफ द पिन अप्लाई लाइट प्रेशर ऑन द बॉडी, ओके। तो पिन का जो पीछे का भाग है जो चुभता नहीं है, उससे लाइट प्रेशर हम अप्लाई करके क्रूड टच देखते हैं। और देखो ग्रे कलरिंग है नीचे, सुपरफिशियल पेन देखते हैं पॉइंट ऑफ अ पिन से, तो उसके भी दो यूज हैं, है ना, आप सिर्फ एक लिख के आते हो। अभी देखो ट्यूनिंग फॉर्क रखा है ना, तो आप देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, रेडी, 256 फ्रीक्वेंसी है, 512 फ्रीक्वेंसी है, 256, 512, तो फिर हम वो रिनेस टेस्ट और वेबर्स टेस्ट के लिए यूज करते हैं, आप वो लिख के आओ। अगर 128 हर्ट्ज है तो फिर उसको हम किसके लिए करते हैं, वाइब्रेशन सेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अ बॉडी प्लेसेस एट अ बोनी प्रोमिनेंस, नाउ यू आस्क द सब्जेक्ट वेदर ही परसीव अ वाइब्रेशन, ओके, एंड व्हेन ही सीजेस टू फील इट, है ना, उसको कब वो महसूस होना बंद हो जाता है, तो हम उसका वाइब्रेशन चेक करते हैं। ठीक है, नाउ आपके दो टेस्ट ट्यूब रखी है, उसमें पानी भरा हुआ है, सो हम टेम्परेचर सेंस के लिए उसका यूज करते हैं, टेम्परेचर एस्थेशियोमीटर का भी यूज कर सकते हैं, वो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है। रेडी, तो देखो ये ऑलमोस्ट मैंने कर लिया, बराबर, कवर सेंसरी की स्पॉटिंग में कैसे लिखना है वो पोर्शन मैंने कवर किया, और सेंसरी एग्जामिनेशन कैसे करना है उसका तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है।